हाल ही में हुए ओलंपिक खेलों में देश का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम बेटियों ने बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किया, जिसके बाद से राज्य व केंद्र सरकारों ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन के लिए इनामों की बौछार कर दी। साथ ही कहा कि देश के हर खिलाड़ी को अच्छी ट्रेनिंग व सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन क्या हकीकत में अभी तक ऐसा हो पाया? क्या हर खिलाड़ी अपनी निजी जिंदगी की जरूरतों से उभर कर अपने देश के लिए अभ्यास कर पा रहा है? ये सवाल तब उठता है जब बुलंदशहर की राष्ट्रीय खिलाड़ी, जो कि रिंग में प्रतिद्वंदियों को धुनती थी, आज अपने परिवार की भूख शांत करने के लिए रुई धुन रही है। देश के लिए मेडल जोड़ने वाली बेटी आज गाड़ियों के पंचर जोड़ रही है। जी हाँ, आज हम आपको यूपी के बुलंदशहर की नेशनल सब जूनियर बॉक्सर प्रियंका लोधी की हकीकत बताने जा रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीतकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया था। प्रियंका लोधी बुलंदशहर के ही एक कन्या इंटर कॉलेज में 11 की छात्रा है। प्रियंका लोधी ने बताया, 11 अक्टूबर 2021 को बालिका सब जूनियर 50 किलो भार वर्ग में उन्होंने गोवा में आयोजित नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन में उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग किया था, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु की प्रतिद्वंदी को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इससे पूर्व प्रियंका मंडल और स्टेट लेवल पर भी मेडल जीत चुकी हैं। प्रियंका व उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रियंका अपने पिता ब्रजेंद्र सिंह के साथ उनके काम में हाथ बटाती हैं, बाइक में पंचर लगाती हैं, सर्दियों में रुई धुनने की मशीन में रुई धुनती हैं, तब जाकर दो वक्त की रोटी मिल पाती है। प्रियंका ने बताया कि 5 बहनें, एक छोटा भाई है, घर में आय के स्रोत नहीं है। ऐसे हालात में उनका पंचर लगाना व रुई धुनना उनकी मजबूरी है। प्रियंका बताती है कि अभी तक निजी स्तर पर कोचिंग की और मंडल राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग लिया। पिता ब्रजेंद्र सिंह व उनकी पत्नी लज्जा की माने तो प्रियंका उनकी बेटी नहीं, बेटा है, और बेटों की तरह ही पालन पोषण किया है। बेटी में बॉक्सिंग की प्रतिभा को देख उसे बॉक्सिंग की कोचिंग कराई। प्रियंका के परिजन व ग्रामीणों का भी मानना है कि नेशनल चैंपियन सरकारी इमदाद से महरूम है। यदि सरकार मदद करे तो गांव की बेटी देश का दुनिया में नाम रोशन कर सकती है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन प्रियंका ओलंपिक खेलने की चाह रखती हैं और सरकार से परिवार की आर्थिक मदद व खुद को बेहतर कोचिंग की गुहार लगा रही है। जी, टाइम तो मतलब मिलता ना, समय निकालना पड़ता है, और मतलब घर के हालात भी ऐसे हैं, फिर भी उसके बावजूद मतलब टाइम निकाल के मैं जाती हूँ। और बचपन से मुझे ये शौक था कि बॉक्सिंग का, फिर भी टाइम निकाल के जाती हूँ, ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। अगर सरकारी तरफ से कोई मदद मिले तो मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या राज्य व केंद्र सरकार इस प्रतिभा को निखारने का प्रयास करती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।